मध्य प्रदेश का जबलपुर उस वक्त छावनी में तब्दील हो गया जब यहां NAI की छापामार कार्यवाही शुरू हुई, जिससे लोग सदमे में आ गए। वहीं स्थानीय पुलिस के साथ NAI ने जबलपुर में ऐसी 10 जगह छापामार कार्यवाही को अंजाम दिया है। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। जानकारी कहती है कि इस कार्यवाही के दौरान गोमती इलाके में सिविल लाइन स्थित सुप्रीम प्लाजा के यहां कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। बता दें कि यह कार्यवाही जबलपुर के एक बड़े वकील के घर पर की गई, जिसमें भोपाल दिल्ली से जबलपुर NAI टीमें पहुंची थीं। यह मामला टेरर एंड फंडिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें NAI के साथ एक दर्जन IPS अधिकारी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी NAI ने भोपाल, खंडवा और मुरैना में ऐसी कार्यवाही को अंजाम दिया था, जहां मध्य प्रदेश में मिली इनपुट के आधार पर NAI की टीम जबलपुर पहुंची, जहां यह कार्यवाही जबलपुर के एक बड़े वकील के घर पर की गई, जिन्होंने डॉन अबू सलीम की पैरवी की थी, जिसके आधार पर NAI कुछ इनपुट की सूचना मिली, जिसकी पूछताछ के लिए भारी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां देखते ही देखते जबलपुर का क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया। इस दौरान पुलिस ने लोगों के आने जाने के रास्ते पर भी रोक लगा दी, जिससे लोग और भी ज्यादा सदमे में आ गए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कुछ भी बताने या कहने से अभी साफ मना कर दिया है, लेकिन पुलिस को मिले इनपुट के आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि NAI को कोई बड़ा इनपुट जरूर हाथ लगा है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपके शहर सागर में भी राजपूताना एम्पोरियम, जहां आपको मिलेगी राजस्थानी साड़ियां, लहंगा, सलवार सूट एवं राजपूती पोशाक की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, कैंट शॉपिंग मॉल, एडिडास शोरूम के बाजू से सिविल लाइन, सागर।